हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है, ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को
की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालती चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान एक आईएएस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे
नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं
नहीं पाया तो वही नजर आएंगे। वही बात करूं मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी।
इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरम फितूर और दिल मेरी नासुनेम द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से दो है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान एक आईएएस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है,
ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान AR एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक
जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है।
लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान AR एक IAS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार
नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्सन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉय के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहूदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करूं मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिता चौहान वासुदेव की प्रेमिका रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक
कोटेजा ने भिन्न फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरम फितूर और दिल मेरी नासुनेम द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान एक आईएएस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था।
यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहूदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान AR एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे।
वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रोम एजेंट है, जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री, जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है, ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी नासुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है, और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है,
12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान एक आई एस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक
कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालती चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चहार और श्री समर खान एक आईएएस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT
में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान एशिया से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है, ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, इशिदान चौहान और
मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करूं मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे एक
पांच में से एक स्टार दिया हम कुल मिलाकर। जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनो कुटेजा ने भी इन फिल्म को पांच में से दो स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे शून्य रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी नासुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से दो है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान AIS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान एशिया से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से
मिलने चाहती है वह वासुनंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी नासुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान AR
यस सर, आई एक आईएएस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है, ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशीर कुमार द्वारा लिखे गए हैं।
और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, इशिदान चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है।
नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान AR एक IAS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म
फ्लैशबैक में जाती है जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो आईआईटी में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहूदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष
प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, इशिता चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिता चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान ARS एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है, ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और
अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे एक 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जिनी यस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है।
आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशिर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा
और नंदिनी चौहान के रूप में इशिता चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर, और श्री समर खान ए आर यस आई एकम आई एस एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो आईआईटी में आता है जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ ए के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके पन को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बाकी की कहानी के लिए आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोचेन कुटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी नासुने द्वारा रचित है जो 2018 के सबसे हिट गीतों से
गीतू मेसेन दो है और उन मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशीर कुमार द्वारा लिखे गए हैं और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनियस अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक मनोवैज्ञानिक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एक पुरुष प्रधान के रूप में शुरुआत है, जिन्होंने शर्मा की 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा इशिदा चौहान और मिथुन चक्रवर्ती में आयशा शुल्का के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मालतीन चहर नाटक फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो NAS प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और वासुदेव शास्त्री उर्फ जीनियस नंदिनी की प्रेमिका के रूप में उत्कर्ष शर्मा और नंदिनी चौहान के रूप में इशिदा चौहान वासुदेव की प्रेमिका, रूबीना रॉम एजेंट के रूप में मालती चाहर और श्री समर खान एजेंट और मुख्य विरोधी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म वासुदेव शास्त्री के साथ शुरू होती है, जो एक जीनियस रॉम एजेंट है जिसे अक्षम करार दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास पार्क में बैठता है, नंदिनी उसके जीवन का प्यार उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है जो IIT में आता है, जहां दूसरी रैंक पाने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या से बाहर आकर अपने जीवन को नकार नरक बनने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। कैप्शन के आसपास दोस्ताना जीनियस होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करने वाली अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। IIT में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिश्चय से एक प्रमेय के बारे में मदद लेने के लिए वासु से मिलने जाती है। वह वासु नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासु को नींद की गोली दे देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासु इस बार भी उसे मात दे देता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पूछ जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक
अप्रत्याशित गड़बड़ में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराता हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चलता है कि वासु ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरम कागज जमा किया था। प्यार के रूप में उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं करती है और अपने सपनों को की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाकी की कहानी के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देखना पड़ेगा। बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। समीक्षाएं विशेष रूप से भ्रमित करने वाले कथानक और अभिनय के मानक भी आलोचनात्मक थी। बॉलीवुड हंगामा ने यह कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। कुल मिलाकर जीनियस एक बेहद घटिया और बेहुदा फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार देकर सामान्य रूप से आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बेमानी बताते हुए इसे 0 रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया, तेरा फितूर और दिल मेरी नासुने द्वारा रचित है, जो 2018 के सबसे हिट गीतों में से 2 है। और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुत्तशीर कुमार द्वारा लिखे गए हैं। और शब्बीर अहमद फिल्म तेरा फितूर का पहला गाना जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।